हेलो एवरीवन, सो आई होप आप लोग सब लोग अच्छे से होंगे। और आई नो ये बहुत दिन हो गया था हमारे पास ब्लॉग में ब्लॉग करे हुए, अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7 महीने उससे ऊपर ही हो गया है मुझे यूट्यूब पे आए हुए। सो काफ़ी बिजी था, मैं बिजी था ड्यू टू सम एडिशनल वर्क, बट नाउ आई एम फ्री एंड आई एम हियर इन पटना। सो अभी हम लोग हैं गंगा नदी किनारे। सो बेसिकली गंगा नदी मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 2 या 3 किलोमीटर ही है। सो हम लोग शाम में यहाँ पे आ जाते हैं, काफ़ी अच्छी व्यू होती है। सो मैं एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ जिसके लिए मैं आज ये व्लॉग बनाया है। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी आप लोग ऐसे बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइबर्स को पता होगा, लेकिन कुछ न्यू है जिसके लिए मैंने व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करा है। एंड आई थिंक आगे जा कर के हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट्स आएंगी। नाउ वी हैव 2 कंपेनियंस टुगेदर। फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी थंडरबर्ड मेरे पास है, जिसमें काफ़ी लंबी लंबी राइड्स करा, अभी मैंने आगे भी लंबी राइड की प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक एडिशनल अपने एज अ कंपेनियन ऐड करा है अपने लिस्ट में, विच इज़ दिस बेस्ट। दिस इज़ माय न्यू कार विच आई हैव बॉट रिसेंटली, एंड ये काफ़ी दिन से मेरी प्लानिंग थी। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि जब मैं एक्चुअली व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, सो मैंने सोचा कार ही एक ले लेते हैं, कार के साथ साथ बाइक और कार दोनों में ट्रैवलिंग हो जाएगी। सो मैंने कार ले लिया एंड आई हैव गॉट किया सेल्टॉस। सो नाउ हमारे पास किया सेल्टॉस और थंडरबर्ड टुगेदर होगी जिस पर हम लोग व्लॉगिंग करेंगे। एंड वी विल मेक श्योर कि आपके पास अब कंटिन्यूसली अच्छी अच्छी कंटेंट्स आएँ। चलिए एक सिनेमेटिक शॉट इसकी सेल्टॉस के लेंगे, क्या क्या कैसे कहाँ से मैंने परचेज किया, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसके साथ साथ आपको और एडिशनल क्या काम करना पड़ता है, कहाँ से कितने दिन में डिलीवरी हुई है, सबके लिए मैंने अलग एक वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा ऑलरेडी। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे किया सेल्टॉस की फर्स्ट राइड तो नहीं है, 1 महीने हो गई मुझे इस कार को लिए हुए, काफ़ी सारी मतलब 1500 किलोमीटर ऑलरेडी मैंने चला लिया कार को, लेकिन फिर भी इट्स अ कम्प्लीटली न्यू एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है चलाने में। आज फॉर्चुनेटली मौसम भी बहुत शानदार होकर रखा था, तो हमने सोचा कि एक बार मरीन ड्राइव का एक बार व्यू ले लेते हैं। इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑफ नाउ, काफ़ी अच्छी मतलब कंस्ट्रक्शन बनाया है इन्होंने गंगा किनारे। एंड अभी तो पानी हुआ है तो आपको बहुत सारा दिखेगा, बट आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा दिखेगा यहाँ पे। सो आप आकर के एंजॉय कर सकते हो अगर आप पटना से हो तो, या कभी आप पटना विजिट करते हो तो आप मरीन ड्राइव जरूर आओ। ये कम्प्लीटली 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो गंगा किनारे बनाया हुआ है, एंड इट्स अ रियली नाइस वन। आई विल शो यू मोर वीडियोज़ ऑफ इट। ड्रोन शॉट ऑलरेडी मैंने ले लिया है गाड़ी के साथ भी, और वैसे भी जेपी सेतु मेरे साथ पीछे में है, अगर आपको वीडियो में दिखेगा तो नहीं, बट ड्रोन में आपको ड्रोन के शॉट्स में दिख जाएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस इज़ इट। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी अच्छी कंटेंट्स हम लाने वाले हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि अब हमारी व्लॉगिंग हो कंटिन्यूसली होगी। बाकी हम लोग मिलते हैं व्लॉग में, और आप इंजॉय करो सेल्टॉस के कुछ सिनेमेटिक शॉट्स की और साथ साथ एक ड्रोन शॉट की। तो टिल देन हैव फन, बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट व्लॉगिंग और कंटेंट कंप्लीट। We'll be right back.
इतनी देर से नहीं हुआ था। तो भाई लोग यही है पटना की ट्रैफिक, सामने से भाई साहब आ रहे हैं, इनको और रास्ता नहीं मिला था। अरे थोड़ा सा सबर रख लो। ये आपको पटना में ऐसी गाड़ी चलानी है, अगर नहीं चला सकते तो फिर दिक्कत है। और पटना में टैलेंट है कि बिना स्क्रैच चले हुए आप गाड़ी चला के दिखा लो, है ना अतुलिया? इस ट्रैफिक में यही होना है, हर तरफ से लोग आते हैं भाई जाने वाले को। तो है ना, क्योंकि इनको पता है कि मारोगे तो तुम्हारा ही जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। जैसे पुल पे हम भी अपना रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे इंस्टाग्राम का रील। अब गाड़ी चला लेता हूँ ना, सही है, है? सही है, बाहर चल सकते हैं आराम से। आपको मैं जल्दी किसी को दिखाता नहीं था रांची भी गए थे ना, तो मैंने जावेद को चलाया कौन था रांची जावेद चलाया मैं नहीं छू सकता, विवेक की गाड़ी थी यार, विवेक की गाड़ी में तो समझ रहे ना।